अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ हुनैन जावेद। आज मैं आपको स्ट्रिपिंग प्रोसेस का जो है उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ कि असल में स्ट्रिपिंग प्रोसेस क्या होता है। स्ट्रिपिंग एक प्रोसेस है जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। हमारे पास इंडस्ट्रीज़ में जो वेस्ट वाटर होता है उसके अंदर हमारे पास कंटेमिनेंट्स होते हैं, यानी कि पॉल्यूटेंट्स, जिन्हें हम कह सकते हैं VOC, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हम उन्हें कह सकते हैं। तो उनको उस वाटर से रिमूव करना ज़रूरी होता है, तो इसके लिए हम स्ट्रिपिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो हम आगे जाकर पढ़ते हैं अब कि स्ट्रिपिंग का प्रोसेस बेसिकली है क्या। स्ट्रिपिंग के प्रोसेस में हमारे पास एक कॉलम होता है, लंबा से जो आपको सामने मैंने दिखाया हुआ है, जिस तरह इस तरह का एक कॉलम होता है। तो उसके अंदर हम जो है यहाँ से ये जो है एरो बना है, यहाँ पे टॉप से जो है हम लिक्विड इन करते हैं। जिस लिक्विड को भी हमने जिसके अंदर से कंपोनेंट्स निकालने हैं, तो वो कंटेमिनेंट्स निकालने हैं, तो उसको हम टॉप से इन करते हैं स्ट्रिपिंग कॉलम के, जिसको हम स्ट्रिपर भी कहते हैं। और दूसरी तरफ बॉटम से हमारे पास होता है स्टीम। स्टीम जो हमारे पास होता है उसका टेम्परेचर हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। तो है हम जब स्टीम में इंटर करते हैं, ऊपर से लिक्विड आता है, जब इनका कॉन्टेक्ट होता है तो बेसिकली स्टीम जो है हमारे पास वो हीटेड होता है, सुपर हीटेड स्टीम भी होता है। तो उसका मकसद जो हमारे पास होता है कि वो जो स्टीम है वो उसके अंदर जो लिक्विड के अंदर जिन जिन पार्टिकल्स को, कंटेमिनेंट्स को हम रिमूव करना चाहते हैं, वो उनका पार्शियल प्रेशर जो है वो कम कर देता है। पार्शियल प्रेशर की वजह से उनका वो जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, और वो वेपर की फॉर्म में जो है वो स्टीम के साथ ही ऊपर से, जहाँ पे वेपर ऑफ लिखा हुआ है, यहाँ पर वो स्टीम बनकर उसके साथ ही जो है कंटेमिनेट्स निकल जाते हैं, और जो है लिक्विड हमारे पास बॉटम में जो है हमारे पास जो है प्योर लिक्विड जो हमारे पास है वो आ जाता है, जिसके अंदर कोई भी कंटेमिनेट्स नहीं होते। तो स्ट्रिपिंग का यही प्रोसेस है, और जो है मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रिपिंग का दे दिया। तो अल्लाह हाफिज़।